Hello children, how are you all? Today we are going to discuss about the flower's name. Can you see these beautiful flowers? I made these flowers with the help of color paper. Can you see these flowers? Yes. Very nice. So today we will discuss about the pictures of the flowers and their names. Okay? Now look at this. This is dahlia. Dahlia. This flower is called dahlia. Dahlia. ये जो फूल होता है ये सूर्यमुखी फूल की तरह ही दिखता है. Gladiolus. Gladiolus. इसे gladiolus इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं वो तलवार की तरह होते हैं और तलवार को gladia भी कहा जाता है. रोज गुलाब का फूल. लोटस कमल का फूल. एंड दिस इज अ नेशनल फ्लावर. लोटस इज कॉल्ड अ नेशनल फ्लावर. ओके. सनफ्लावर जिसे हम सूर्यमुखी कहते हैं. जैस्मिन जिसे हम बेला या चमेली का फूल भी कहते हैं और ये बहुत खुशबू देता है. एंड दिस इज मेरीगोल्ड. गेंदे का फूल. हिबिस्कस. गुड़हल. हिबिस्कस को हिंदी में गुड़हल कहते हैं. ट्यूलिप जिसे हम कंद पुष्प भी कहते हैं. लिली को कुमुदनी कहा जाता है. वेरी नाइस. पेटूनिया. जिनिया. एंड दिस इज डेजी को हम गुलबहार कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? गुलबहार. एंड दिस फ्लावर्स आर यूज फॉर पूजा डेकोरेशन एंड मेडिसिनल यूज. ये जो फूल होते हैं ये बहुत खुशबू देते हैं. इनमें से कई सारे फूलों की बहुत अच्छी खुशबू आती है और कई फ्लावर्स बिना खुशबू वाले होते हैं जिनसे कोई खुशबू नहीं आती. और इनका जो उपयोग होता है वो डेकोरेशन के लिए, पूजा के लिए, और कई सारी लेडीज जो होती है वो अपने बालों में फूलों की गजरे लगाना बहुत पसंद करती है. और इनसे कई सारी दवाइयां भी बनाई जाती है. जो फ्लावर्स होते हैं इनसे दवाइयां भी बनाई जाती है. और सुबह सुबह आप जब फूल देखते हो गार्डन में तो कितना अच्छा लगता है ना, बहुत सुंदर लगता है. और उनकी खुशबू सूंघकर तो बहुत ही अच्छा और फ्रेश लगता है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक टूडे, द फ्लावर्स नेम. ओके, थैंक यू.